कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरेज के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरेज सिर्फ हफ्ते दो हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो तीन कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी। औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है, ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन तीन चीजों पर काम करना होगा।